कहिए कैसे हैं आप। कल मैं पढ़ रही थी कि कुछ लोग खूबसूरत जगह खोजते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहां जाते हैं वो जगह को ही खूबसूरत बना देते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि ऐसे कौन लोग होते हैं जो जगह को ही खूबसूरत बना देते हैं, मतलब क्या उनकी नेचर होती है, क्या उनका स्वभाव होता है। तो सोचने के बाद मैंने ये पाया कि जो हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं ना, वो ही इस तरह की फीलिंग्स ला सकते होंगे, वो ही माहौल को अच्छा बना सकते होंगे, उन्हीं को देखते ही लोग आकर्षित होते होंगे, उन्हीं के पास लोग आते होंगे। और वैसे देखा जाए तो खुश रहने के, मुस्कुराने के तो फायदे बहुत है। पहला, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। देखिए, हम हंसेंगे, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, हमारा दिल ठीक रहेगा, ऑक्सीजन हमें ज्यादा मिलेगी, और सबसे बड़ी बात लेडीज के लिए, झुर्रियां, चेहरे पे झुर्रियां कम हो जाएंगी। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें, मोटापा भी कम हो जाता है, ज्यादा हंसेंगे, मतलब मैंने एक पढ़ा था एक जगह कि जितना हंसते हैं फिर हमारी कैलोरीज जो होती है वो बर्न होती है, तो ये भी अच्छा फायदा है। तो देखिए कि एक तरह से पेन किलर का ही तो काम करता है ये, मतलब लोगों को आकर्षित करता है जो ज्यादा मुस्कुरा रहे, जैसे मैंने बताया था, जहां जाते हैं जगह को, एटमोसफेयर को खूबसूरत बना देते हैं। अब देखिए, जैसे हम सारा दिन खुश रहे तो हमें टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी तो हम रात को नींद अच्छी सोएंगे, नींद अच्छी सोएंगे तो जब सुबह उठेंगे तो हमारे घर का एटमॉस्फेयर और हमारे ऑफिस का वो भी खुशनुमा रहेगा, क्योंकि सब खुश रहेंगे, क्योंकि हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि हम मुस्कुरा रहे हैं, हम खुश हैं, हमें कोई तनाव नहीं है। और उसके बाद हमें नए नए आइडियाज आएंगे, मतलब जब खुश हो जाएंगे, मुस्कुराएंगे तो नए नए आइडियाज आएंगे, लोग हमसे मिलना चाहेंगे, और मतलब उससे हमारा जो है सर्कल बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा। और वही चीज आ गई ना जो शुरू में पढ़ी थी कि कुछ लोग जगह को जहां जाते हैं खूबसूरत बना देते हैं, तो सब उनसे मिलना चाहेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत कंजूसी करते हैं हंसने में, मुस्कुराने में, मतलब हमें ना ये लगता है कि बस मुंह बना के रखो, टेंशन में रखो। अगर उससे टेंशन कम होती है तो फायदा है, मतलब मेरा ख्याल तो टेंशन, अगर हम खुश रह के सारा दिन निकालेंगे या टेंशन में निकालेंगे तो मतलब मुंह बना के रखेंगे और टेंशन कम होती है तो फिर सभी को रखनी चाहिए, फिर तो बहुत अच्छा आइडिया, फिर तो मैं भी सबको बताऊंगी कि टेंशन रखो। और अगर नहीं होती तो फिर दिक्कत क्या है मुस्कुराने में, हंसने में, तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और वैसे एक चीज और है, बड़ा अच्छा आइडिया है कि जैसे हम सुबह ब्रश के लिए वॉश बेसिन के आगे खड़े होते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो दो तरह के चेहरे बना के देखिए। एक तो स्माइल वाला, ठीक है, कि मैं स्माइल में कैसा लग रहा हूँ या लग रही हूँ, कैसा सूट कर रही है स्माइल, कौन सा एंगल, सारे एंगल से देखिए। और एक दूसरा रखिए रोंदू वाला, जो नॉर्मल रहता है, माथे पे बोल तनाव, ऐसे खिंचा हुआ मुंह। तो फिर उसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है ना, जो भी आपको अपना फेस अच्छा लग रहा है, आप उसको सारा दिन में बना लीजिए कि आज मैंने सारा दिन ऐसा ही लग रहा है, करके देखिए। वैसे जो मैं आपको देख पा रही हूँ ना, जितना मैं आपको देख पा रही हूँ, जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, उस पे ना स्माइल बहुत सूट करेगी। तो एक बार क्यों नहीं कोशिश करके देखते हैं कि स्माइल रखते हैं पूरा दिन, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, और कैसा दिन निकलता है। मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से पॉजिटिव ही निकलेगा। तो चलिए, आप करके देखिए, सोचिए इस बारे में, एक बार मुस्कुराइए और अपने चेहरे की भाव जो होते हैं उसको बना के देखिए। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक